आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 576वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजनीतिक तौर पर लगातार ही हम आपको लिमटी की लालटेन में पहले हमने आपको चारों विधानसभा क्षेत्र का इतिहास बताया, उसके बाद कांग्रेस भाजपा के विभिन्न सदस्यों से सिवनी जिले को लेकर चर्चा की। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और कृषि उपज मंडी के सदस्य भी रहे हैं लालू राय। आप हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और आपको हम आज लिमटी की लालटेन में हम आपसे सिवनी के बारे में जानना चाहेंगे कि सिवनी जिले में भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सिवनी शहर में है, और माफ कीजिए 33 साल से सिवनी शहर में, और पूरे प्रदेश में लगभग 20 साल हो चुके हैं। आप क्या आपका सिवनी के प्रति नजरिया है कि सिवनी में जो भी हुआ है इन 20 सालों में और उसके पहले, हम बात सिर्फ सिवनी की करना चाहेंगे, हम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं, क्योंकि वहाँ आपके संगठन अलग हैं, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता अलग हैं, तो सिवनी को लेकर आपका नजरिया 20 साल का क्या है? जहाँ तक संगठन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सिवनी के प्रत्येक बूथ तक, हमारा संगठन है बूथ समिति और पन्ना प्रमुख तक की योजनाओं पे हमने काम किया, और सिवनी में बेशक सिवनी का भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। सिवनी ने समय समय पे हमको परिणाम भी दिया है और लगातार हमें आसातीत सफलताएं मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर के जनता की सेवा करते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो मामला है तो संगठन के बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे, जरूर करेंगे। पहले, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर सिवनी में मूल समस्याएं विधानसभा चुनाव को लेकर, मूल मुद्दे क्या हो सकते हैं? देखिए, मुद्दों की अगर हम बात करें तो सिवनी में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। मैं मानता हूं कि जिला अस्पताल में जो स्थिति है उसको सुधारने की अभी आवश्यकता है। आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता है कि लगभग 42 विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्ट खाली है। हमें, चूंकि सिवनी जिला अस्पताल पूरे ज़िले के लिए आवश्यक है, तो वहां डॉक्टरों का होना और जो संसाधन हैं उनका सुचारू संचालन सबसे मूल आवश्यकता यहाँ होती है। देखिए, आपने बताया कि सिवनी में जिला चिकित्सालय में मीडिया के माध्यम से ही आपको पता लगा कि 42 पद रिक्त है, तो हमारा सिर्फ कहना इतना है, सरकार 20 साल से आपकी, तो इन 20 सालों में कहीं ना कहीं सिवनी के पहले 5 विधायक हुआ करते थे, अब 4 विधायक है, तो इन चारों विधायकों का कहीं ना कहीं अप्रोच सही नहीं हो पाई। मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तो बनती है और ये काम विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल एक ऐसा विषय है जहां व्यक्ति बहुत विशेष परेशानियों के समय में पहुंचता है, और अगर वहां पे और वहां की व्यवस्थाओं के कारण उसे परेशान होना पड़ता है तो निश्चित ही जीवन का सबसे बड़ा संकट का समय वो होता है, और उसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। लगभग 20 साल पहले याद पड़ता है जब यहाँ महेश शुक्ला मंत्री हुआ करते थे, वे विधायक थे सिवनी के, तब औचक निरीक्षण वे करते थे और जितने चिकित्सक अनुपस्थित पाए जाते थे उनका वेतन रोका जाता था। याद नहीं पड़ता कि उसके बाद नरेश दिवाकर विधायक रहे हों या दिनेश राय विधायक रहे हों, नीता पटेरिया विधायक, जिनके, नीता पटेरिया के तो पति स्वयं चिकित्सक थे, किसी ने भी चिकित्सक जो अनुपस्थित रहते हैं उनके खिलाफ कोई कदम उठाया हो नहीं? तब ऐसे औचक निरीक्षण का औचित्य एकदम कदम उठाने वाला अकेला विषय नहीं है, पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहे हैं कि अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जनता को मिलती रहे। आपको आपकी बात से हम सहमत हैं, हम सिर्फ आप कह रहे हैं आपके जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, सभी सतत प्रयास करते रहे, ऐसा आपका कहना है। ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया, लाखों रुपए फूंक दिए गए जिला चिकित्सालय में, लाखों रुपए सिर्फ रंग रोगन पर, और जिसने भी उस समय इसके खिलाफ बात कही कि 5-स्टार होटल ना बनाया जाए, अस्पताल को अस्पताल रहने दिया जाए, उस पर नजला टूटा। विधायक निधि से आपके ही भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने 5-5 लाख रुपए दिए, और उसकी आज तक
कोई उन्होंने अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। कोविड में करोड़ों रुपए इस अस्पताल में खर्च हो गए। ऐसे जनप्रतिनिधि अगर हैं, जो जनप्रतिनिधि आप कह रहे हैं कि वे सतत प्रयासरत हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें, ये उदाहरण भ्रष्टाचार में सतत प्रयासरत हैं या जनता के हित के लिए प्रयासरत हैं? नहीं, ये जनप्रतिनिधि का अपना दायित्व है निधि उपलब्ध कराना। अगर वहाँ कोई कमी हुई है तो ये जांच का विषय है। ये चीज मुझे आपके माध्यम से पता चल रही है। अब तो ये विधानसभा, इस बार की विधानसभा समाप्त होने को आ रही है। हाँ। अब जांच कब हो पाएगी? नहीं, जांच तो हमेशा होने वाली चीज है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी उसमें दोषी है, उसकी जाँच होनी चाहिए। और व्यक्ति को अगर हमारे जनप्रतिनिधि ने वहाँ निधि दी है तो उसका सदुपयोग वहाँ होना चाहिए। ये हम महत्वपूर्ण विषय इसको मानते हैं। आपने अभी देखा SNCU बच्चों का जो ICU होता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए ICU होता है, उन बच्चों के लिए रात को चिकित्सक नहीं रहते। इस बात के लिए बहुत पहले मैंने भी एक बार कलेक्टर साहब को यहाँ जब थे तो पत्र लिखा था कि कहीं ना कहीं उस बात पर जनता असंतुष्ट है और इस बात को हमारे बड़े जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हॉस्पिटल ना केवल SNCU जो आप बता रहे हैं, उसके अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड में जनता को आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी के समय में व्यक्ति टहलने या घूमने नहीं जाता। एक बड़ा मुद्दा सिवनी शहर में है, वो है नशाखोरी का। सिवनी में आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, पूरे सिवनी शहर को हुलाहता बना दिया गया है। आपको शराब की बोतलें, पानी के पाउच, डिस्पोजेबल ग्लास, ये यहाँ जो आपका ये सर्किट हाउस के किनारे में जो भी यहाँ बैठने के लिए बेंच लगी है, उनके आसपास भी, पूरे शहर में। तो पुलिस और आबकारी, आपकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुलिस और आबकारी आखिर कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? क्या इसे राजनीतिक संरक्षण माना जाए? नहीं, अब मैं इसे राजनीतिक संरक्षण तो नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूं कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि का सदैव यह दायित्व होता है, जिनके हाथों में अगर सत्ता है तो उनका भी दायित्व होता है, सत्ता के जिम्मेदार लोगों का भी ये दायित्व होता है कि इस पर नियंत्रण लगे। और मैं ये मानता हूँ कि लगातार इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयासरत रहती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो नई शराब नीति लाई, उसके लिए भी उसने प्रयास किया है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगना चाहिए। पर उसके बाद भी अगर रोक नहीं लग पा रही है, मैं भी इस विषय को मानता हूं कि नशा समाज की सबसे बड़ी बुराई है और उस पर रोक लगनी चाहिए और उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी, कौन तय करेगा जिम्मेदारी? जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आपकी हमारी क्या से, आपकी हमारी बात कौन सुनेगा? सुनेगा तो सिर्फ विधायक सांसद की, पर आपके यहाँ संगठन में भी, संगठन भी कहीं ना कहीं भाजपा या कांग्रेस संगठन अपने विधायकों पर दबाव नहीं बना पाता। इस तरीके की सामाजिक तौर पर जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए नहीं, संगठन भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण है और सत्ता के होते हुए भी संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है। और निश्चित ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का इन सब विषयों को, क्योंकि ये समाज से जुड़े मुद्दे हैं। पर 5 साल बीतने को आ रहे हैं, जब तब आरोप लगते हैं के शराब ठेकेदारों को संरक्षण है। कचहरी चौक की एक शराब की दुकान है जिसे कुछ नेताओं के द्वारा ये बताया गया कि ये शराब की दुकान 100 मीटर दूर है, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर होना चाहिए, उसे ऐसा घूम के नापा गया। अभी कुछ दिन पहले हम कानीवाड़ा गए, कानीवाड़ा की एक शराब की दुकान, वो शराब की दुकान ऐसा घुमा करके, क्योंकि वो 200 मीटर दूर होनी चाहिए, अगर सीधे सीधे नाप लिया जाए तो सीधे सीधे वो मुश्किल से 50 मीटर है। तो इस तरीके से अगर आंखों में धूल झोंकी जा रही, कचहरी चौक की शराब की दुकान आप चलिए, आप खुद नापिए, स्पष्ट है, उसके बाद क्यों नहीं आ पा रही? इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात की मैं भी करता हूं, कब होगी कार्रवाई? ये प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इनको जिम्मेदारी तय करके और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक और सफेद पाउडर, स्मैक, ब्राउन शुगर, इस सब की चर्चाएं भी युवाओं में, इस बात की चर्चा हम भी लगातार सुन रहे हैं। और निश्चित ही सामूहिक प्रयास से ये चीज रोकी जा सकती है और इसके हमें तह तक जाना चाहिए कि आखिर क्या, किसके सामूहिक समाज के प्रत्येक वर्ग की जिम्मेदारी होती है और साथ में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सबसे प्रमुख प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, पर अगर सामाजिक लोगों का भी यह दायित्व है कि कहीं भी इस विषय में जानकारी मिलती है तो निश्चित ही जिम्मेदार लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि ये कहां से शुरुआत है और कैसे ये हमारे शहर में पैर पसार रहा है। सिवनी का एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, अभी बहुत सेंसिटिव मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि बस स्टैंड को पीछे ले जाया जा रहा है, जो हॉकी ग्राउंड के सामने वाली जगह पे। बस स्टैंड कहाँ रहना चाहिए, कहाँ बस स्टैंड बनना चाहिए, क्या शहर के बाहर जाना चाहिए, इस मामले में आपका क्या विचार है? अभी अभी मैंने सुना है, 2-3 दिनों से चर्चा चल रही है कि जो बस स्टैंड वर्तमान में प्राइवेट बस स्टैंड है उसके पीछे जो भूमि रिक्त है उस पर बस स्टैंड जाने वाला है।
निश्चित ही बस स्टैंड बड़ा हो और सिवनी की जनता की सुविधा अनुसार हो। और मैं ग्रामीण क्षेत्र से स्वयं भी जुड़ा हूँ, सिवनी की जनता से मेरा मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं वो अपने शहर के छोटे छोटे कामों को निपटाने के लिए आते हैं। सिवनी में कहीं भी बस स्टैंड ऐसी जगह में होना चाहिए कि सबके लिए सुविधा अनुकूल हो। मैं कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ कर दें, पर मैं ये चाहूँगा कि सिवनी के पूरे जिले की आम नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए कि जब वो बस से उतरें तो उनको बस स्टैंड से अपने जो भी आवश्यक कामों के लिए जाने की जगह है वो नज़दीक हो, उन्हें अनावश्यक ऑटो और उसका किराया ना लगे, क्योंकि सिवनी में लोकल ट्रांसपोर्टेशन अभी हमारा मजबूत नहीं है। अभी हमने आज हम सर्किट हाउस में खड़े हुए हैं, अभी हमने आपसे चर्चा की शराब नशा इस बारे में, आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए ये देखिए सर्किट हाउस में ये शराब की बोतलें, लालू राय जी आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तीन शराब की बोतलें और एक ब्लैक एंड व्हाइट का ये यहाँ पड़ा हुआ। सर्किट हाउस जैसी जगह में अगर इस तरह शराबखोरी हो रही है, कंट्रोल रूम ठीक सामने है, कलेक्टर बंगला ठीक पीछे है, कलेक्टर बंगला इस तरफ है और कलेक्टर ऑफिस यहाँ है, हम आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसे क्या आप संगठन के जरिए यहाँ इस जैसी जगह पर अगर शराबखोरी हो रही है, यहाँ पर अगर मैजदे बैठ रहे हैं, यहाँ आना आम आदमी के बस की बात नहीं, पर आपके सामने तीन बियर की बोतलें हमने दिखाई। निश्चित ही ये न केवल सर्किट हाउस का बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी ये मुद्दा हावी है। निश्चित मैं मानता हूँ और इसके लिए हमारे पार्टी में जब जब कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह ऐसी जानकारी मिली है तो संगठन ने प्रशासन से बात करके प्रयास भी किया कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए। हमने आपको भी कहा कि इस सर्किट हाउस को, इस सिवनी शहर को आहाता बना दिया गया है, आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत है यहाँ पर। इसके अलावा सब यहाँ पर VVIP क्षेत्र होने के बाद यहाँ आम आदमी नहीं आ सकते। बहरहाल हम बात कर रहे थे बस स्टैंड की, बस स्टैंड का जो मुद्दा था, बस स्टैंड को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो बस स्टैंड को बाहर ले जाने की जरूरत भी नहीं है और बस स्टैंड को पीछे ले जाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आपने कहा कि आपको ये दो तीन दिन पहले चर्चाओं में पता लगा, इसका मतलब लोगों का कहना है उसका ठेका हो चुका है। अच्छा। अगर ठेका हो चुका है, जगह चयनित हो चुकी है, तो संगठन को अंधेरे में रखा गया है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, मुझे जानकारी में नहीं है, व्यक्तिगत यह बात अपनी जगह हो सकती है, पर अगर ऐसा है तो अगर संगठन, हम आपकी जानकारी व्यक्तिगत तौर पर अगर नहीं है मान लिया जा सकता है, पर अगर संगठन को नहीं मालूम है तब नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा नहीं मानता मैं पूरी संगठन की जिम्मेदारी मैं, और अगर मेरे, आप अगर नहीं मान रहे हैं तो यही हम आपको कहेंगे, बस स्टैंड पीछे जा रहा है, संगठन की सहमति है, टेंडर हो चुका है। मैं तो ऐसे में संगठन की समय हमारे पूरा संगठन भाजपा सामूहिक निर्णय से चलती है, अगर संगठन में कोई इस बात विषय में जानकारी आएगी तो उस पर चर्चा की जाएगी। हमारा वही कहना है, एक बहुत ज्वलंत विषय है बस स्टैंड का, जिस पर सोशल मीडिया में रार चल रही है। देखा जाए तो विधायक दिनेश राय, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, इनको आगे आकर प्रशासन के साथ ये सब किसके लिए हो रहा है। हम सदैव कहते हैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारे आपके लिए हो रहा है, तो हमसे आपके पूछे बिना कैसे टेंडर कर दिया जाता है। हम ये कहते हैं कि वो अगर पूछ लिया जाए, सिवनी शहर की यातायात व्यवस्था, लालू राय जी आज हम आपको सुझाव देते हैं, बस स्टैंड में दो बुक स्टॉल हैं, उन दो बुक स्टॉल्स को हटा के दूसरी जगह आप पट्टा दिलवा दीजिए, वहाँ से बस पीछे जाए, वर्कशॉप की बहुत बड़ी जगह है वहाँ पर बस स्टैंड बना दिया जाए, जहाँ ऑलरेडी बस स्टैंड है उसके पीछे से बसेस घूम के सोहाने पेट्रोल पंप के बाजू से निकल के बाहर आएंगे, सारी बसेस यहाँ से जबलपुर नाके तक जाएंगी, जो इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को हमने सुझाव दिया था। चूँकि बस स्टैंड से जारत नाके तक आबादी नहीं, सड़क चौड़ी है, कहीं यातायात जाम की स्थिति नहीं बनेगी। जारत नाके से डालडा फैक्ट्री होकर सीधा बाईपास निकालिए, मंडला बालाघाट कटंगी के पुराने बाईपास से यहाँ जबलपुर सीधी जाएगी, सिमरिया मंडी जो है, सिमरिया मंडी के दोनों तरफ स्लिप रोड बनेंगी जो प्रस्तावित थी NHAI की। स्लिप रोड का अर्थ जो छिंदवाड़ा नाके पे दोनों तरफ उतरती है, दोनों तरफ स्लिप रोड उतरेंगी, जहाँ से चढ़कर छिंदवाड़ा और नागपुर आप जा सकते हैं, आपकी यातायात की समस्या हल। सवाल यही है कि हमारे लिए कर रहे हैं, हमसे पूछे तो, हमसे अर्थात सिवनी के नागरिकों से पूछा तो जाए। तो एक तो ये यातायात की समस्या, शैक्षणिक संस्थाओं में यहाँ शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, आंकड़े चाहे जो भी बोले, आप इस बारे में क्या कहेंगे शिक्षा के स्तर के बारे में? देखिए
चाहे सीएम राइज स्कूल हों या हमारे इसके पहले उत्कृष्ट विद्यालय हों, शासकीय स्कूलों को अधिक से अधिक उन्नत करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, पर स्थानीय स्तर पर अगर कहीं लापरवाही हो रही है तो ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, पर जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है कि छात्रों को जो शासकीय स्कूलों में जहाँ पढ़ रहे हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, उनका अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है वो किसी की लापरवाही के कारण उससे वंचित ना हो। आपने बहुत सही बात कही, प्रदेश स्तर पर योजनाएं, केंद्रीय स्तर पर योजनाएं तो सब कुछ देखकर बनाई जाती है, पर इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। आपको अगर सिवनी विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी बनाती है, अगर बनाती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, आपका विजन क्या होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं आभारी रहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मेरा यह मानना है कि सिवनी का प्रमुख मुद्दा अगर देखें तो हॉस्पिटल की स्थिति को सुधार होना चाहिए। उसके लिए विजन ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो पहली लड़ाई हमारी ये होनी चाहिए कि यहाँ डॉक्टरों की पूर्ति हो, डॉक्टर आ जाने के बाद वो समय पर वहाँ उपस्थित हों। और दूसरा, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और मेरा लगभग हर हफ्ते में एक दो दिन में कहीं ना कहीं किसी के कारण हॉस्पिटल में मिलने जुलने जाना होता है, मैं महसूस करता हूँ कि वहाँ के स्टाफ का, वहाँ के नर्सेस का ये व्यवहार भी जो है मरीजों के प्रति थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उसके कारण कई बार लोग आहत होते हैं। उसमें छोटा सा विषय, अगर कोई एक व्यक्ति इतने जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि बनाते, एक आध ऐसे कोई हेल्प डेस्क टाइप की स्थिति वहाँ निर्मित कर दी जाए जिसमें लोग बैठ के ये अपनी समस्या बता सके। हर व्यक्ति किसी विधायक को, किसी सांसद को फोन नहीं लगा सकता, पर अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के साथ वहाँ बैठ जाए, हेल्प डेस्क के रूप में बैठ जाए, तो निश्चित ही छोटी छोटी सी समस्याएं जो वहाँ पर परिजन परेशान होते हैं उनकी परेशानी आदि हो जाएगी, तो बड़ा सुकून महसूस। विधायक या सांसद का एक प्रतिनिधि वहाँ बैठ जाए जो अस्पताल प्रशासन और मरीज के बीच सेतु का काम करे, सेतु का काम करे। प्रतिनिधि से मेरा मतलब 24 घंटे बैठना जरूरी नहीं, पर कोई हेल्प डेस्क ऐसी रख दी जाए वहाँ हमारा नंबर हो, लोग हमसे संपर्क कर सके, हमारे प्रतिनिधि से संपर्क कर सकें, क्योंकि प्रतिनिधि तो है ना जी। इसके अलावा अस्पताल के अलावा, अस्पताल के अलावा मैं दूसरा यहाँ पे चाहूंगा युवाओं के रोजगार की, रोजगार का मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया। हम आपको बता दें, अगर आप बारा पत्थर में बबरिया जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां जाएंगे तो वहां पर आपको एक इंच जगह खाली नहीं मिलेगी। आप कहिए मुझे रोजगार के लिए एक इंडस्ट्री लगाना है और आप जगह देते, जगह नहीं मिलेगी। भोरकल कापा अगर आप जाते हैं तो 1000 हेक्टेयर लगभग 2500 एकड़ का रकबा, 22 उद्योग 15 साल में लग पाए हैं। कहीं ना कहीं आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस बात को आप स्वीकारेंगे नहीं, पर हम कहते हैं ये सांसद और विधायक का फेलुअर है, निश्चित तौर पर फेलुअर है, क्योंकि ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, आप किसी भी जिले में चले जाइए वहाँ इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं आती हैं। उद्योगपतियों को आकर्षित करना होता है, मुख्यमंत्री भी इन्वेस्टर्स मीट करते हैं। सिवनी में पल्प का एक उद्योग लगना था 10 साल पहले, आज भी सीता पल्प के पल्प का उद्योग या इंडस्ट्री नहीं लग पाई है। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, MOU साइन करा दिया, अब वो यहाँ आकर उसे सुविधाएँ कैसे मिलेंगी, ये जवाबदेही हमारे सांसद और विधायक की है। मैं ये मानूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लगातार काम किया और उसी का परिणाम है कि लगभग 10 साल पहले 1000 हेक्टेयर के एक नया इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप किया गया। ये जो आप डालडा फैक्ट्री वाला एरिया की बात कर रहे हैं, ये हमारा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया था, पर निश्चित ही जिस गति से यहाँ उद्योग लगना था उस गति से यहाँ उद्योग नहीं लग पाए। एक सिवनी जिले की या तो हम भौगोलिक स्थिति के कारण बोले या जिस भी कारण से बाहर के बहुत सारे उद्योगपतियों ने यहाँ आने से परहेज किया। हम आपको रोक के बता दें, परहेज इसलिए किया क्योंकि हमने दिल्ली और भोपाल में बहुत लंबा समय बिताया है, उद्योगपतियों से भी चर्चा है, उनका कहना यह था सिवनी में कच्चा माल कहाँ से लाया जाएगा और सिवनी से माल अगर तैयार हो गया तो लेकर कैसे जाया जाएगा। 4 लेन जर्जर पड़ी हुई थी, नेशनल हाईवे जर्जर पड़ा हुआ था, ब्रॉडगेज यहाँ नहीं थी। 4 लाइन मोदी जी की सरकार के अंदर में बनते ही बड़े हमने उस बात को प्राथमिकता में रखा और आज हमारी 4 लाइन बनी है। आप 10 साल हो गए, रेलवे भी हमारे बीच में आज उपस्थित है। बिल्कुल 10 साल हो गए 4 लेन बने हुए, इन 10 साल में इंडस्ट्रियल्स को बुलाया जा सकता था। ब्रॉडगेज यहाँ आ चुकी है, पर दिन में नागपुर से जबलपुर के बीच में कोई रेलगाड़ी नहीं है। दिन में आप पैंचवेली, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक रेलगाड़ी इंदौर से चलकर सिवनी आती है, पर सिवनी से इंदौर नहीं छूटती, छिंदवाड़ा से इंदौर छूटती है।
चूंकि ब्राडगेज अभी हमारे यहाँ मुश्किल से 6 महीने पहले प्रारंभ हुई है। अगर अगर हम छिंदवाड़ा का उदाहरण लें, माफ कीजिएगा आपके हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए हम आपको छिंदवाड़ा का उदाहरण लें, तो छिंदवाड़ा में जैसे ही ब्राडगेज चालू हुई वैसे ही दमदार नेतृत्व, जहाँ दमदार नेतृत्व होता है वहाँ ये सारे बहाने नहीं होते हैं। हम आपको कहते हैं आप पांडुना चले जाइए, पांडुना के पहले तिगांव चले जाइए, जहाँ जहाँ छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशन के बाजू में आप देखिएगा रेल के रैक खड़े हुए हैं। वो रैक्स इसलिए खड़े हुए हैं कि वो LHV कोच नहीं है, पुराने कोचेस हैं। हमारे सांसद, दो सांसद हैं आपके पास मंडला और बालाघाट, फग्गन सिंह कुलस्ती केंद्र में मंत्री हैं, डॉक्टर ढाल सिंह सिंह 4 बार के विधायक हैं। ये अगर रेलवे के DRM को अगर कोच मांग लें उनसे, वो पूरा रैक मांग लें, तो गोंदिया बालाघाट नैनपुर सिवनी होकर आसानी से रेलगाड़ी चल सकती है। मैं ये मानता हूँ कि इस बात के लिए हमारे दोनों सांसद लगातार प्रयासरत हैं, पत्र लिखते हैं केंद्रीय मंत्री, भाई साहब मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, रेल मंत्री से लगातार मुलाकात करते हैं और उसका परिणाम है कि आज हमारे यहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। निश्चित ही थोड़ा सा पंचवैली के मामले में अभी जो व्यवधान आया उसको भी शीघ्र पूरा किया जाएगा, पंचवैली हमारे यहाँ से रेगुलर चलेगी। अभी चित्रकूट से गाड़ी चल रही है, एक हमने शहडोल से, चित्रकूट से गाड़ी आज भी आरंभ नहीं हो पाई है, वो प्रपोजल आज भी वहाँ रेलवे बोर्ड के पास रखा है, जो हम आपको बताना चाहे थे। रेलवे बोर्ड के सूत्रों का कहना है अब मार्च अप्रैल 2023-24 के बाद ये सब मूर्त रूप लेगा, क्योंकि उस समय कोई रोक टोक वाला नहीं होगा। हम आपसे एक आखिरी बात और कहना चाहेंगे, यहाँ डॉक्टर ढाल सिंह डिसेन सांसद जब यहाँ आए थे जीतने के उपरांत, हमने उनसे कहा था कि यहाँ एक अंदर इसके अंदर एक नैरो गेज का रैक खड़ा कर दिया जाए, इंजन डब्बे चूंकि वे बेकार पड़े हुए हैं, इंजन डब्बे गार्ड का डब्बा यहाँ PW उसका मेंटेनेंस करती, शहर की धरोहर के रूप में वो दिखता, लोग आते, सेल्फी पॉइंट बनता। 5 साल बीत गए, निश्चित ही उस समय भी प्रयास होगा। 5 साल बीत गए, नैरो गेज जब बंद हुआ वो अपना विषय था, पर जब ब्रॉड गेज शुरू हुए अभी 6 महीने हैं, रेलवे से संबंधित सुविधाएं हमारे यहाँ आना बाकी हैं, हमारे यहाँ आएंगी और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही आएंगी। बहुत बहुत उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आएंगे। हम आपसे आज कहते हैं आज एक मोटरसाइकिल हमारी सिवनी से बुक करा दीजिए, बुक नहीं हो पाएगी, कहाँ की जहाँ मर्जी वहाँ बुक करा, छिंदवाड़ा जाइए छिंदवाड़ा से बुक होगी, वो कहते हैं यहाँ पे पार्सल बुकिंग की सुविधा यहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए, आपका ये कहना है। तो पार्सल बुकिंग की सुविधा, भाई साहब बड़ी रेल लाइन आए 6 महीने में आई है और निश्चित ही ये भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि है। रेल का मुद्दा विधानसभा में नहीं होगा अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता, तो तीसरी और आपकी प्राथमिकता क्या हो? देखिए मैं जो रोजगार की बात कर रहा था, मैं ये मानता हूँ कि सिवनी जिले में कृषि आधारित उद्योग और रोजगार की आवश्यकता है और निश्चित ही अगर बाहर के उद्योगपतियों का आना कम हो रहा है उसके लिए हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि उसके लिए न केवल इस बात के लिए कि अपना तो काम चल रहा है, हमें सार्वजनिक सोच को डेवलप करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए सोच को डेवलप करना पड़ेगा और उसमें कहीं ना कहीं सहकारिता को आगे लाना पड़ेगा। आज ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे किसान आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से मजबूत हुए हैं, पर वो अकेले कोई बड़े इंडस्ट्रीज नहीं डाल सकते, अगर उनके बीच में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से और उनको एक संरक्षण मिले। आज आप मुझे बोलें, बहुत सकारात्मक सोच है, मुझे आप बोलें कि लालू राय आप क्यों नहीं बनाते हैं, भाई आज मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, अगर एक कोई बड़ा संरक्षण, बड़ा व्यक्ति, बड़ा जनप्रतिनिधि ये बात को विचार कर ले कि आइए आप 50 लोगों के साथ मिलकर 5 करोड़ का हम एक उद्योग लगाते हैं, उसका कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में हम चलाएंगे, उसमें सभी को प्रॉफिट मिलेगा, तो निश्चित ही हम सब उद्योगपति भी कहलाएंगे और उसमें जो काम करने वाले युवा होंगे उनको रोजगार। बहुत सकारात्मक सोच है आपकी, इसके अलावा और कुछ विजन? अगर वैसे तो तीसरा जो विजन मैं मानता हूँ कि जैसा हमारे में कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया हॉस्पिटल होना चाहिए, दूसरा सुख घर में हो माया, तो ये इंडस्ट्रीज होगी पैसा आएगा, पर उसके बाद तीसरा सुख आने वाली पीढ़ी को अवगुणों से बचाना है और उसके लिए नशा मुक्ति के लिए, और नशा मुक्ति के साथ साथ समाज नशा मुक्ति की तरफ चलना चाहता है, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा नशा की तरफ बढ़े, परंतु हमें उस पर प्रशासनिक स्तर पर भी रोक लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। जब नशे की चीजें नहीं मिलेंगी तो अपने आप पर यहाँ तो हर गली गूचे में और ये कहा जाए कि छोटे छोटे गांव में, मैं उस बात को मानता हूँ, कई जगह से हमारे पास आवाज आती है, मैं कभी उस बात को नहीं नकारूंगा, निश्चित ही हमें उस पर रोक लगाना पड़ेगा, उस बात के लिए हमारा संगठन भी सजग है। बहुत साफ गोई के साथ सिवनी विधानसभा के बारे में या सिवनी जिले के बारे में लालू राय के द्वारा आज चर्चा की गई, जिले भर की उनके एक विजन है कि अस्पताल
अस्पताल सबसे पहली बात कि अस्पताल सुरक्षित होना चाहिए, अस्पताल सर्व सुविधायुक्त होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से उनकी रीढ़ मजबूत होनी चाहिए, उनका भविष्य मजबूत होना चाहिए, सुनहरा भविष्य होना चाहिए। बहुत सकारात्मक विचार अभी आपके द्वारा कहे गए और बहुत बेबाकी के साथ सबसे बड़ी बात नशा मुक्ति की उन्होंने बात कही। गली गली शराब बिक रही है, उसे रोकना चाहिए। जो पाउडर की बातें आ रही हैं, नशे के पाउडर की बातें आ रही, उस पाउडर के बारे में भी पुलिस को अपने सूचना तंत्र को, सूचना संकलन को मजबूत करना होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज मिलिमटी की लालटेन के 576वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज मिलिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर इसे आप जाकर देख सकते हैं। सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। एक बार फिर लालू राय जी, आपका बहुत बहुत आभार। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 577वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।